आइए सुनते हैं आज की कहानी प्रदूषण। आदत के अनुसार श्यामलाल ने उठकर खिड़की खोल दी। गर्म हवा का एक टुकड़ा कमरे में समा गया। शहर अपने बड़े होने के अनुपात में प्रदूषित है। प्रदूषण के संबंध में रोज नए नियम बनते हैं, फिर भी प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। गहरी निश्वास के साथ उन्होंने खिड़की पुनः बंद कर दी। एयर कंडीशनर न हो तो गर्म हवाएं शरीर को झुलसा ही दे। पिछले 20 दिनों से वे एयर कंडीशन की धीमी गड़गड़ाहट के बीच रह रहे हैं। वो उसके नियमित स्वर के अभ्यस्त हो चुके हैं, किंतु उस स्वर की समानता नीम की पत्तियों की सरसराहट से वो चाहकर भी नहीं कर पाते, जिसके नीचे बैठकर वो बच्चों से घंटों तक दुख सुख की बातें करते रहते थे। कई बार इच्छा होती कि भज्जू होता तो देखता राम लिखवान कितना बड़ा आदमी है। गांव में रहकर उन्होंने जितनी कल्पना की थी, यहां आकर महसूस हुआ कि उनकी कल्पना की उड़ान भी कितनी छोटी है। हर आदमी एक सीमा तक ही देख सकता है, उसके बाद तो बस नीलापन ही रह जाता है। जाने क्या बात है कि इतनी सुविधाओं के बाद भी कोई कोना रीता रह जाता है। सुबह उठकर पूरब वाली खिड़की खोल देने की उनकी पुरानी आदत रही है, चाहे गर्मी हो या दिसंबर की ठंड। ताजी हवा को खींचकर फेफड़े भर लेने से वे स्वयं को तरोताजा महसूस करने लगते और दूर तक फैली हरियाली से आंखें सुखद एहसास से भर जाती। यहाँ खिड़की खोलने पर सामने वाली विशाल इमारत मुंह चिढ़ाने लगती। यहाँ पूरब किधर है पता ही नहीं चलता। उन्हें लगता है कि चारों ओर धुआं ही धुआं है। कारों मोटरों का धुआं, आदमी के मुंह से निकलता सिगरेट का धुआं और आसमान से धुआं उगलती चिमनियां। पहले राम लिखवान एक छोटे नगर में छोटा अधिकारी था। जिस दिन उन्हें राम लिखवान का पत्र मिला था कि अब वो मामूली क्लर्क से अधिकारी बन गया है, उन्हें महसूस हुआ था कि उनकी तपस्या सफल हो गई। उसी दिन वो शहर गए थे, साथ में 2 किलोग्राम घी ले गए थे। फड़फड़ाहट से उनकी तंद्रा भंग हो गई। कबूतर कोने में बैठा पंख फड़फड़ा रहा था। अतुल परसों की ये सफेद कबूतर खरीद लाया था। उस दिन भर कबूतर से खेलता रहा, उसके बाद कमरे में छोड़ गया था। अब तो उसके दाने पानी का भी ध्यान नहीं रखता था। वही उसके आगे चावल के दाने डाल देते हैं और एक कटोरी में पानी रख दिया है। गांव में उनके आंगन में गोरैया के झुंड के झुंड चहचहाया करते। कौए सुबह होते ही अमरूद के पेड़ पर बैठकर कांव कांव करने लगते। राम खिलवान छोटा था तो कौवों को खूब रोटी खिलाता था। कौवे इतने ढीठ हो गए थे कि राम लिखवान के हाथ से रोटी छीन ले जाते। राम लिखवान की माँ अक्सर कहती, इस राम खिलवान ने खूब कुत्तों कौओं को पालतू बनाया है, दिन भर घेरे रहते हैं। नन्ना राम खिलवान घुटनों के बल चलकर किसी कुत्ते का कान पकड़ लेता और कुत्ता भी वहीं पसर जाता। राम खिलवान उनसे खेलता रहता। उन्होंने देखा कि शहर में बच्चे प्लास्टिक के जानवरों से खेलते हैं और जिस घर में कुत्ता होता है वहां बच्चों की देखभाल आया करती है तथा कुत्ता बच्चे की माँ की गोद में रहता है। श्यामलाल का जीवन भले ही सुख सुविधाओं के अभाव में भी था, किंतु गांव के लोग जो सम्मान देते वही उन्हें स्वर्गिक आनंद देता था। शिक्षा का क्षेत्र उन्होंने इसलिए चुना था कि विद्यादान का कोई प्रतिदान नहीं था और न ही आज की तरह उन्होंने शिक्षा को व्यवसाय ही समझा था। जीवन की गति में उन्हें कहीं कुछ सोचना भी नहीं पड़ा था। 2 ही बच्चे थे, एक लड़का मिल गया था जो खेती करता था। उस गांव में भी लोग उनका सम्मान करते थे, इसलिए सावित्री का विवाह बड़ी आसानी से हो गया था। राम खिलवान पढ़ रहा था, बीए करने के बाद उन्होंने उसका भी विवाह पढ़ी लिखी लड़की से कर दिया था। नौकरी में प्रतिस्पर्धा देखते हुए उन्होंने राम खिलवान से कह दिया था कि खाने भर के लिए खेती से मिल ही जाता है, नौकरी के लिए दौड़ने से अच्छा है बच्चों को पढ़ाओ और खेती करो। राम खिलवान का भाग्य ही था कि उनका पढ़ाया लड़का विभाग में उच्च अधिकारी था। उसने राम खिलवान को नियुक्ति पत्र दे दिया था। उसके बाद के सफर में राम खिलवान को किसी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो जोड़ तोड़ कर आगे बढ़ता ही गया। राम खिलवान को ऊपरी आमदनी के लिए जोड़ तोड़ बैठाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया, किंतु इस संबंध में उन्होंने कभी कुछ राम खिलवान से नहीं कहा। वे जानते थे हवा के विरुद्ध चलने की क्षमता सभी में नहीं होती। बाबूजी चाय लाऊं? महेशु ने उनकी तंद्रा भंग कर दी। अरे भाई कुल्ला दातुन कर लूं तब चाय लाना, उठते हुए उन्होंने कहा और बाथरूम में चले गए। घर के हर कमरे में बाथरूम होगा ये भी उनकी सोच से परे था। वो बाथरूम से बाहर आए तो महेशु चाय नाश्ता लेकर आ गया, शायद उन्हीं की प्रतीक्षा में था। पहले जब राम खिलवान
छोटा अधिकारी था तो बहू उनका ध्यान रखती थी, किंतु वो देखते हैं बहू बेटे को उनसे बात करने का भी समय नहीं है। बहू को देखकर लगता ही नहीं कि ये वही गांव की सीधी सादी है। पति के स्तर के अनुरूप दक्ष भी आधुनिकता में परिवर्तित हो चुकी थी। उनकी पोती सुशीला तो पूर्ण रूप से मॉडर्न हो चुकी है। राम खिलवान की पहली संतान लड़की हुई थी, जिसका नाम उन्होंने सुशीला इसी विश्वास से रखा था कि नाम का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। मक्खन टोस्ट के साथ उन्होंने चाय पी और रामायण लेकर बहुत धीमे स्वर में पढ़ने लगे। तेज स्वर में पढ़ने से दूसरों को असुविधा होगी। पहले वो महेशी से बात कर लिया करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने बहू का बड़बड़ाना सुन लिया था। नौकरों के मुंह लगे रहते हैं, इन्हें तो हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं। उस दिन से महेशी से भी बहुत कम बातें करते हैं, जबकि उन्हें महेशी से बात करने में बड़ा अपनापन महसूस होता था। गांव में सदैव लोगों से घिरे रहते थे, कोई न कोई आकर बैठ ही जाता था। राम खिलवान की माँ की मौत के बाद भी उन्होंने इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था जितना यहाँ महसूस हो रहा है। कई बार वे भी सुबह उठकर टहलने निकले, रास्ते में जो भी हम उम्र मिलता वो एक नकली मुखौटा लगाए होता, कछुए की तरह अपने की खोल में सिमटा हुआ। ऐसा लगता जैसे सड़क पर लाशें चल रही हों। दो दिन ही वे घूमने गए, फिर स्वयं को लाशों से अलग कर लिया और सुबह उठकर रामायण पाठ करने लगे। राम खिलवान ने भी एक खोल चढ़ा लिया है जिसके अंदर वो सिमटा रहता है। कहां क्या हो रहा है इससे कोई विशेष सरोकार नहीं। उसकी माँ की मौत पर उन्होंने टेलीग्राम किया था, किंतु वो 13वें को ही पहुंचा था। बड़ी बिजी लाइफ हो गई है, क्या करूं, तुरंत कहीं जा ही नहीं सकता। आते ही उसने सफाई दी थी, तब उन्हें पहली बार महसूस हुआ था कि राम खिलवान इतना बड़ा बन चुका है कि रिश्तों की तरलता वहां तक पहुंचते पहुंचते सूख जाती है। माँ की मौत की खबर के साथ ही रोती कलपती सावित्री आई थी, साथ में उसका पति राजेंद्र और उसके ससुर के अतिरिक्त गांव के 20-25 लोग आए थे। राम खिलवान की प्रतीक्षा के बाद उन्होंने उसकी माँ को अर्थी उठाई थी, शायद टेलीग्राम नहीं मिला, कहकर उन्होंने चिता को अग्नि दे दी थी। राम खिलवान सपरिवार आया था और दूसरे ही दिन चला गया था। सावित्री ने जरूर कहा था, भैया कुछ दिन रुक जाते, बापू के पास तुम तो हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, बच्चे भी बोर हो रहे हैं। राम खिलवान ने दो टूक जवाब दे दिया था। सावित्री और उसका पति राजेंद्र कई दिन रुके थे और जाते समय राजेंद्र ने बहुत कहा था कि वे उनके साथ चल कर रहें, किंतु उन्होंने मना कर दिया था, बेटी के घर कैसे जाकर रहें। तभी उन्होंने राम खिलवान को पत्र लिखा था कि यहाँ अकेले रहना काफी कष्टप्रद लग रहा है। 2-3 पत्रों का जवाब भी नहीं आया तो उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। लोगों के आकर बैठने से उनका अकेलापन दूर होने लगा था। गांव के लोग जब कहते कि बेटा अधिकारी है, उसके पास जाकर आराम से क्यों नहीं रहते, तो वे झूठ बोल देते कि राम खिलवान तो पीछे पड़ा है कि शहर में आकर साथ रहो, लेकिन मुझसे ही गांव छोड़ा नहीं जाता। कार के हॉर्न से वो समझ गए कि राम खिलवान ऑफिस जा रहा है। पिछले दिनों राम खिलवान गांव आया था तो आशा के विपरीत 3-4 दिन रहा था, वो उनके पीछे ही पड़ गया था। बाबूजी आप हमारे साथ चल कर रहे, यहाँ अब क्या है। उस समय उन्हें गर्व का अनुभव हुआ था। उन्होंने भज्जू से कहा था, राम खिलवान तो साथ ले जाने के लिए जिद कर रहा है, बुढ़ापे में ही सुख भोग लो, भज्जू ने कहा था। वे जमीन और घर की व्यवस्था के बारे में सोच ही रहे थे, तभी सुरेश ने बताया था, बड़े भैया घर और जमीन बेचने की बात कर रहे हैं, क्या आप बेच देंगे। सुरेश की बातें सुनकर एक बार वो ठिठके थे, फिर कह दिया था, राम खिलवान कहाँ खेती बाड़ी की देखभाल करेगा, बेच ही देना ठीक है। एक बार शंका ने सिर उठाया था कि वे छले तो नहीं जा रहे हैं, किंतु ये सोचकर खामोश ही रहे थे कि मरने के बाद है तो सब इसी का, मुझे क्या, 2 वक्त की रोटी और कपड़ा चाहिए। उनकी इच्छा सावित्री को भी आधा हिस्सा देने की थी, किंतु वो कह नहीं सके थे और राम खिलवान ने सब बेच दिया था। यहां आकर उन्हें पता चला कि राम खिलवान ने मारुति कार का नंबर लगा रखा था, उस पैसे से उसने कार खरीद ली थी। राम खिलवान इतना बड़ा हो गया है कि सावित्री या उसके पति का इस घर में आने का साहस नहीं होता। जब भी वे अपनी स्थिति की समीक्षा करने लगते हैं, उनका मन रामायण से उछट जाता है। उन्होंने श्रद्धा से हाथ जोड़े और रामायण बंद कर दी। कमरे में कबूतर इधर उधर फुदकता घूम रहा था। कार का हॉर्न सुनकर उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर झांका,
कल वाला लड़का कार से बाहर झांक रहा था और सुशीला कार से उतर रही थी। आहट सुनकर उन्होंने घूमकर देखा, महेशु था। महेशु भाई, ये लड़का कौन है? उन्होंने महेशु से पूछा, किंतु तत्क्षण ही उन्हें आभास हो गया कि उन्हें महेशु से ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। बाबूजी, ये बीबी जी का बॉयफ्रेंड है, महेशु बोला। उन्होंने देखा महेशु के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जिसे उसने छुपाने का असफल प्रयास किया था। महेशु की मुस्कान उन्हें कहीं गहरे तक छुप गई थी। उन्हें भी महसूस होता है कि सुशीला के कदम फटक गए हैं। सुशीला के कपड़े देखकर उनकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। बहू को देखकर लगता है कि वो सुशीला की माँ नहीं, बड़ी बहन है। तुम्हारी मैम साम कहाँ है? उन्होंने महेशु से पूछा। वो तो क्लब चली गई, महेशु ने कहा। कुछ सोचकर वो कमरे से बाहर आ गए। सुशीला गुनगुनाती हुई अपने कमरे में जा रही थी। सुनो बेटी, उन्होंने सुशीला को आवाज दी। क्या है? ठिटक कर रुकते हुए सुशीला बोली, देखो बेटी, तुम समझदार हो, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, वो समझाते हुए बोले। सुशीला ने एक बार उन्हें देखा और सिर झटक कर तेजी से अपने कमरे में चली गई। वो खामोशी से अपने कमरे में चले आए। कबूतर कोने में दुबका बैठा था, वो भी अपने बिस्तर में दुबक गए। रात में सुशीला का स्वर उनके अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। वो अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, इस बुड्ढे को क्या राइट है मेरी प्राइवेट लाइफ में डिस्टर्ब करने का? मैं समझदार हूँ, बच्ची नहीं। मैं समझा दूंगी कि यहाँ की रोटी हजम नहीं हो रही हो तो अपने गवार बेटे के पास जाकर रहे, बहू कह रही थी। कमरे में फड़फड़ाहट हुई। उन्होंने देखा कबूतर को बिल्ली पकड़ ले गई थी। बाहर बहू अब भी तेज स्वर में बड़बड़ा रही थी।